आस्था से सराबोर हमारे देश में कई धार्मिक स्थल हैं। इनमें से कई धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जहां धार्मिक यात्राएं की जाती हैं। इन्हीं में से एक यात्रा है श्रीखंड महादेव यात्रा। ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में मौजूद श्रीखंड दर्शन के लिए की जाती है। ये यात्रा वर्ष में एक बार जून जुलाई माह में होती है। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास है। स्थानीय लोगों की माने तो इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। यहाँ मौजूद शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है। श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है। पौराणिक मत के अनुसार एक बार एक दैत्य भस्मासुर ने शिव को तप से प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि वो जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वो भस्म होगा। दैत्य स्वभाव होने के कारण उसे माता पार्वती से शादी करने की इच्छा हुई। तब भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर उससे नृत्य करने की मंशा जाहिर की। इस तरह नृत्य में ही उसका हाथ उसके सिर पर रखवा दिया, जिससे भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। कहते हैं कि जहां भस्मासुर का अंत हुआ था, श्रीखंड महादेव मंदिर परिसर में वो जगह वर्तमान में भी मौजूद है। जून जुलाई में शुरू होने वाली यात्रा के लिए भक्त हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिला और फिर यहाँ से निर्मंड होते हुए बागीपुल पहुँचते हैं और यहाँ से शुरू होती है 30 किलोमीटर की आस्था से सराबोर यात्रा। श्रीखंड महादेव यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। श्रीखंड महादेव पहुँचने के रास्ते में कई श्रद्धालुओं की मौत तक हो जाती है और जो सही सलामत दर्शन कर पाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीखंड महादेव पहुँचने के रास्ते में आपको करीब एक दर्जन धार्मिक स्थल और देवशिलाएं मिलेंगी। श्रीखंड महादेव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यहाँ पर आने से करीब 50 मीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। वहीं रास्ते में कई धार्मिक स्थल हैं। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ भस्मासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था।